गूगल एडवर्ड्स की स्किल्स अब आपके पास आ गई आपको ये भी पता लगा कि कैंपेन कैसे बनानी है बिडिंग कैसे करनी है टारगेट ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करनी है अब बात आती है फ्री काम की यानी फ्री वेबसाइट के ऊपर जो ज़्यादातर जॉब्स हैं गूगल एडवर्ड्स रिलेटेड वो क्या हैं उनमें से एक मेन जॉब आती है सर्च एड्स की और ज़्यादातर आपको मिलेंगी पी रिलेटेड एड्स वट डाइज पी पी सी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक एड्स आपको ज़्यादातर क्लाइंट कहेगा कि भाई हमारी मैनेज करें पे पर क्लिक कैम्पेन्स को उसके अंदर आपको जो टास्क दिए जाएंगे वो होंगे कि आपने बिडिंग अमाउंट को सेट करना है आपने की को डिसाइड करना है आपने सर्च एड्स की क्रिएशन करनी है और फिर आपने मॉनिटर करना है इन तमाम चीज़ों को तो सबसे कॉमन जो सर्च एड्स रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स होंगे वो ये वाले मिल रहे होंगे जिनमें पीपीसी या मैनेजिंग पीपीसी पी सी होंगी अब इनको जो मैनेज करना है और क्लाइंट्स के साथ डील करना है उनके चंद टिप्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब की कैंपेन्स को रन करते हुए भी मैंने आपको टिप्स दिए थे आई एम श्योर कि आप वो यूज़ भी कर रहे होंगे इसी तरीके से गूगल एडवर्ट्स की कैंपेन को रन करने के लिए भी कुछ टिप्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है और फिर आगे जाके अपने अप्लाई करना है जो पहली टिप ये गोल्डन रूल मैं इसको कहूँगा गूगल एडवर्ट्स की प्रोडक्ट्स को हैंडल करने के लिए वो है कि नेवर रन एड्स विदाउट नोइंग दी ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्लाइंट भी उस पर क्लियर होना चाहिए कि भाई यही ऑब्जेक्टिव है कि जिसके ऊपर पैसे लगाने गूगल एड्स की वो यूज़ करके और जब आपको ऑब्जेक्टिव का पता है और क्लाइंट ने उसको अप्रूव कर दिया देन यू रन द एड फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्टिव है सेल्स बढ़ाना तो आप एड बनाएं अगर कि जी इंफॉर्मेशन ओरटेड एड है लर्न हाउ टू सेल अ कार एक ये एड है दूसरी है वी विल बाय कार इन टू आर्स तो सेल्स ऑब्जेक्टिव अगर है तो कौन सी वाली एड आप चलाएंगे लर्न वाली चलाएंगे या वी विल बाय द कार फ्रॉम यू इन टू आर्स वो वाली चलाएंगे इसका डिसीजन आपने करना है तो ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है उसकी बेस पे आपने एड बनानी और क्लाइंट को भी पता हो कि ये वाला ऑब्जेक्टिव है इस पर इतना बजट लगेगा दूसरा गोल्डन रूल है कैलकुलेट सी पी ए बिफोर हैंड ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है सी पी ए से मुराद है कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होती है मुश्किल लफ्ज़ है सिंपल सा मायनिंग है इसका सेल्स उसको एक्विजिशन कहते हैं यानी कि वो लोग जिनको आप एक्वायर कर रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है अगर एक लीड जो है यानी कि एक सेल जो है वो आपको पंद्रह रुपए कमा के देती है और आपको सी पी आई यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन है वो अट्ठारह रुपए है तो देन इट्स नॉट ए गुड सी पी आई तो आपकी सी पी आई हमेशा आपकी सेल अमाउंट से कम होनी चाहिए यानी कि आप ये कहें कि जी मैं तीन रुपए खर्च करूंगा एक बंदे को अपने तक लाने के लिए और उसको बीस रुपए की चीज़ बेचूंगा देन इट्स अ गुड सी पी आई तो हमेशा कैलकुलेट करें कि आपका सी पी आई क्या होना चाहिए क्लाइंट से बात करें कि एक सेल का रेवेन्यू या प्रॉफिट कितना क्लाइंट कमा रहा है कितना वो सी पे खर्च करना चाहता है तब आपको एक अच्छा सी मिल जाएगा तीसरा गोल्डन रूल ऑलवेज सेटअप योर अकाउंट प्रॉपरली रियल आंसर हो ये जरा जहन में रखो भाई मैं क्या कह, कह, कह के पहले इतनी दफ़ा मैंने कहा है कि जब आप मैनेज कर रहे होते हैं कैंपेन्स को तो कैंपेन्स को प्रॉपरली अकाउंट को मैनेज करें उसके अंदर चीज़ें डिफरेंट तरीके से बनी हुई हो कैंपेन्स अलग अलग बनी हुई हो क्लाइंट्स के हेड्स अलग अलग बने हो अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स की डिफरेंट एड्स कैंपेन चल रही हैं और आप उनको सारों को मिक्स कर देते हैं किसी का कीवर्ड किसी में चले गए और किसी की पिक्चर किसी और में चलेगी वो क्लाइंट भी खुश नहीं है पैसे भी लगी जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जब आपने उसको रिव्यू ही नहीं किया और आपको पता ही नहीं कि वो एड्स चल रही है तो आपके अकाउंट जो है वो हमेशा सेटअप प्रॉपरली होना चाहिए और लास्ट का गोल्डन रूल और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल ऑलवेज सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग आपके पास तमाम डाटा आपकी एड्स का जो है वो आना चाहिए थ्रू कन्वर्जन ट्रैकिंग आप गूगल एडवर्ट्स के अंदर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप ट्रैक कर रहे होते हैं कि कन्वर्जन कैसे हो रही है उसका सी पी ए क्या है कॉस्ट एक्सिशन क्या है कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं कैसे क्लिक कर रहे हैं कितने पैसे चार्ज करते हैं या चार्ज हुए हैं पर क्लिक ये तमाम चीज़ें आपको ट्रैकिंग और डाटा आपको बता रहा होगा ये आपके पास होना चाहिए क्लाइंट के साथ रेगुलरली शेयर करें इससे आपको अपनी परफॉर्मेंस का भी पता लग रहा होगा एक अच्छा डिजिटल मार्केटें जो है वो कन्वर्जन रेट पर भी फोकस करता है और कन्वर्जन रेट के फोकस करने के साथ साथ जो बाकी तमाम मैट्रिक्स हैं उन पर भी फोकस कर रहा होता है गूगल के ऊपर अगर आपकी कन्वर्जन रेट दो परसेंट या दो परसेंट से ज़्यादा है तो मेरे नज़दीक वो एक अच्छी कन्वर्जन रेट है कोशिश करें कि चार से पाँच परसेंट के दरमियान आप हिट कर रहे हो वैसे तो गूगल अगर आप सर्च करें तो आपको कन्वर्जन रेट्स डिफरेंट इंडस्ट्री या डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बता भी रहा होता है कि अगर टेक्नोलॉजी की एड है तो उसकी इतनी कन्वर्जन है अगर एजुकेशन की एड है तो उसकी इतनी कन्वर्जन है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि दो परसेंट इज़ मिनिमम चार परसेंट के आसपास हो तो फिर मज़ा आता है लोग क्लिक करते हैं कॉस्ट कम होती है और आप एक अच्छे से अच्छे डिजिटल मार्केटें बनते जाते हैं और फ्री लांसिंग प्रोजेक्ट फिर आपकी झोली में गिरते रहते हैं तो दोस्तों इन टिप्स को अपने जहन में रखना है और नेक्स्ट टाइम जब आप क्लाइंट से नगोशिएट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं एक ऐड के ऊपर और आ, उस एड पर काम कर रहे हैं सर्च एड्स के ऊपर तो इन सब टिप्स को अप्लाई कीजिए और फ्री के थ्रू पैसे कमाएँ